हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आपके साथ शेयर करने वाली शॉपसी हॉल। गाइस, यस, फर्स्ट टाइम मैंने शॉपसी से शॉपिंग किया है। काफ़ी टाइम्स मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बट इसका डिलीवरी ना इतना ज़्यादा स्लो है। एनीवेज, आगे वीडियोस में इसका फुल डिटेल रिव्यू, फर्स्ट एक्सपीरियंस सब कुछ मैं शेयर करूँगी। आई होप कि आप सबको ये हॉल वीडियो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है, बस 5-6 ही है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बस उससे ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया है, बहुत ही कम लिया है। इसको ही लेने में कितना टाइम लग गया, क्या ही बोलूँ। सो आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। इट्स टोटली फ्री गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा एंड वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, एंड आप चाहो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलो, ज़्यादा बकबक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो, यही मैंने कुछ परचेस किया है जिसका मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया। कुछ कुछ का मैंने शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था एंड कुछ कुछ का शेयर नहीं किया है। एंड पहले मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बता देती हूँ। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ओके था, क्योंकि इसका डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा। वैसे फ्लिपकार्ट का डिलीवरी मेरे एड्रेस पे तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। पता नहीं आप लोग को जल्दी परचेज हो, मतलब जल्दी डिलीवरी होता है कि लेट होता है। मुझे तो आराम से एक हफ्ता दिखता है, उस पर दिखाता है कि एक हफ्ता लगेगा, बट वो और भी टाइम लग जाता है। कितना भी जल्दी करो, एक हफ्ता से ज़्यादा हो ही जाता है। तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा मुझे इसका स्लो लगा। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी मुझे स्लो लगता है यार। कुछ कुछ प्रोडक्ट तो हमेशा परचेस करती हूँ शौक से, कि यार ये लेना है, और फिर वो आता ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रीन पे लगा रही हूँ, ये भी मैंने परचेस किया था, लगता है लाइट जाके आ गया। वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दी, तो मैंने हेयर कलर लिया था जो मुझे डिलीवरी ही नहीं हुआ। 3-4 बार मुझे कॉल आया बट उसका कोई आवाज़ ही नहीं आया, और फिर वो कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। और उसके लिए मैंने 10 दिन वेट किया, जिसकी वजह से मेरा वीडियो और ज़्यादा डिले हो गया। जितना जल्दी सोचो ना, उतना ही लेट होता है। तो इसके लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा ओके था। बाकी एक प्रोडक्ट भी मैं दिखाऊंगी, जो मैंने ऑर्डर कुछ और किया था, मुझे रिसीव कुछ और हुआ है। क्या, चलो देखते हैं आगे वीडियो में। सो आप सबको तो पता है, शॉपसी फ्लिपकार्ट का ही एक न्यू ऐप लॉन्च हुआ है। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाते रहूँगी प्रोडक्ट्स के प्राइजेस, मुझे इतना याद नहीं है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया किस ब्यूटी का प्रोफेशनल मेकअप कॉन्टोर कंसीलर एंड ब्राइटनिंग लिखा हुआ है इस पर। सी आप देख सकते हो, इसका पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइस स्क्रीन पर दिखा रहा है 120 के अराउंड ये मुझे मिला था। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है, सी पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट बहुत छोटा सा रिसीव हुआ। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, नॉर्मल पैलेट्स जैसे होते हैं वैसा नहीं है ये, काफ़ी छोटा पैलेट है ये। बट हाँ, इसमें कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइटनिंग के लिए भी है, नॉर्मल कंसीलर भी है, कलर करेक्टर भी आपको मिल जाता है, कलर करेक्टर एंड आपको कॉन्टोर भी मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस 120 मुझे अच्छा लगा, ख़राब नहीं लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट प्रोडक्ट था मेरा ये, एंड मैंने एक प्रोडक्ट 5 रुपीज़ का भी लिया है। वैसे तो आप जब भी जाओगे ऐप पे ना, तो आपको वहाँ पे सोल्ड आउट ही दिखेगा, वो ऐप ओपन ही नहीं होता, क्योंकि उसमें 5, 45, 95 ऐसे स्टोर्स है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। बट मंथ में एक ही नंबर से एक ही बार कर सकते हो, पहली बात। एंड दूसरी बात, आप मैक्सिमम टाइम तो आपको वहाँ पे वो सोल्ड आउट ही दिखेगा। पता नहीं लोग कैसे हमेशा वीडियो बना लेते हैं इतने सारे प्रोडक्ट का, मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो सोल्ड आउट ही दिखता है। एंड प्राइस आपको बहुत कम दिखेगा, बट आप उस पर क्लिक करोगे तो प्राइस भी उसका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो इसके लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। सो अब सेकेंड दिखाती हूँ ये, इसमें क्या है, क्योंकि दो डिब्बा सेम ही है, याद नहीं मुझे क्या है, खुल जा भैया। सो इसमें वॉच है, इसमें मैंने एक वॉच बाई किया था, ये भी आई थिंक 120 का मिला था, याद नहीं है, 140 नहीं 120 का। बट हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉच है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बस इसका कलर डाउन ना हो। सी कलर अगर डाउन होगा, जब बहुत दिन बाद वीडियो बनाना ऐसे मिस्टेक होता है, कलर अगर डाउन होगा तो शायद अच्छा ना लगे, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको मैग्नेट की तरह मिल जाता है, ऐसे करोगे चिपक जाएगा, तो अच्छा लग रहा है। ओके, सो ये था सेकेंड प्रोडक्ट, फटाफट करती हूँ वीडियो, काफी ज्यादा लंबा नहीं करना है। सो थर्ड है मेरा ये ज्वेलरी,
यस, ये तो मुझे याद ही नहीं था। तो एक मैंने ये ज्वेलरी लिया है, ये 100 रुपीज के अंदर का ही है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस। एंड ज्वेलरी तो मुझे सही बोलो तो द मीसो की तरह ही लग रहा था। ये है नेक पीस, इसके साथ हमें मिल जाएगा मांटी का एंड इयर रिंग, स्क्रीन पे आप देख ही रहे होगे। ओके सी, ये आपको मांटी का मिल जाएगा एंड ये आपको मिल जाएगा इयर रिंग। काफी लाइट वेट है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा ये नेक पीस, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अभी मैं बस ऐसे ऐसे सब दिखा दिखा के रख देती हूँ, बाद में मैं हटाऊंगी। तो अगर अभी हटाने लगूंगी ना तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। सो अब दिखाती हूँ जो मैंने और भी कुछ कुछ लिया था। ये मैंने लिया था एक काजल, ADS का काजल लिया है सी, इसका प्राइस 40-45 था, बट ये आपको लोकल मार्केट में ना 10-20 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा, इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, बट इस पे बहुत ज्यादा महंगा मिला है। सी, ये 20 रुपीज दिखा रहा था, इसके लिए मैंने इसको एड टू कार्ट किया, बाद में मैंने देखा तो इसका प्राइस इंक्रीज भी हो गया था, मैंने सोचा छोड़ो जाने दो अभी ले ही लेती हूँ। सो अब आ रही है 5 रुपीज का मैंने क्या लिया है। वैसे बड़ा मेहनत लगा 5 रुपीज का प्रोडक्ट लेने में, क्योंकि अक्सर वो सोल्ड आउट ही दिखता था। सी, ये छोटी छोटी सी इयर रिंग सिल्वर कलर का है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा या सिल्वर होगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, छोटा छोटा सा है, 5 रुपीज में क्या ही लोगे यार। सो नेक्स्ट है, ये है मैंने मंगलसूत्र लिया था, बट ये इमेज में आप देख सकते हो अलग दिख रहा है, बट मुझे रिसीव हुआ थोड़ा अलग, बट कोई नहीं, इसका मुझे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, बट इमेज में दूसरा था, बट मुझे रिसीव दूसरा हुआ है, बट कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है। सो ये हो गया मंगलसूत्र। एंड नहीं नहीं, मैं भी मैंने बहुत सारे सामान ले लिए भैया। एक मैंने लिया है ये मैंने लिया है ऐसे बन बना के, उसमें आप आराम से लगा सकते हो, स्पेशली मैंने वीडियो के लिए ही लिया है, बना बनाया हुआ है, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितना प्राइस है सबका मुझे याद नहीं, प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगी। एंड उसके बाद मैंने हेयर के लिए ही और भी लिया है, ये फ्लावर लिया है, ये मैंने 4 का सेट आपको मिला था, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, 4 का सेट मिला था तो 2 मैंने दे दिया किसी को, एंड 2 बचा हुआ है मेरे पास जो मैंने अपने वीडियोस में भी यूज किया था। इसमें आपको यूपिन मिल जाता है, आप आराम से अपने बन में अप्लाई कर सकते हो। लो, मैं फुल मती बन गई। सो ये मैंने लिया है फ्लावर, मुझे ये स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लोकल मार्केट पे थोड़ा सा महंगा मिलता है, यहाँ आपको 4 का सेट आई थिंक 100 रुपीज के अराउंड मिल गया था, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप 4 का सेट पूरा यूज करोगे पूरा अपने गजरे में, तो मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगेगा, बट मैंने 2 लिया क्योंकि 2 मुझे किसी और को देना था, इस वजह से मैंने वो 4 का सेट लिया था। ओके, सो ये था लास्ट, बाकी और मैंने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सामान है। एंड कैसा था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। बट स्पेशली मुझे हेयर कलर चाहिए था, बट हेयर कलर मुझे नहीं मिला, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट अभी क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है ना। सो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो यही था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो, मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।